जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों रेलवे में LLP टेक्नीशियन, RPF NTPC ग्रुप डी, JEE या SSC में CPU, GD, CSL, MTS, CGL, 10+2 स्टेनो, बैंक में IBPS, पुलिस, बिहार SSC, BPSC टीचर एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्योंकि अगर आप लोग क्लास करेंगे तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और सही प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। कहता है कि जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से 9 से 19 संबंधित है उसी प्रकार से 29 से कौन संबंधित होगा। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि 9 और 19 के बीच में लॉजिक क्या है, ठीक है। अब देखिए कि 9 को 19 कैसे लिखा गया है, सिंपल सा लॉजिक है। इस 9 में क्या किया गया, गुने का 2, 9 गुने 2 कितना हो जाता है 18, और इसमें क्या क्या किया गया, प्लस का 1 करा गया, 18 एक कितना हो जाता है 19। तो देखिए आपकी दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, तो वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 29 गुने का 2 करना पड़ेगा, तो 29 गुने 2 कितना होता है 58 हो जाता है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1, 58 एक कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। कहता है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे, देखिए 3 से 5 पे जा रहे हैं, फिर देखिए 5 से कहाँ जा रहे 8 पे, 8 से कहाँ जा रहे 13 पे, 13 से कहाँ गए 22 पे, फिर 22 से हम लोग जो यहाँ पे जाएंगे तो लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है, लॉजिक क्या है, देखिए 3 से हम लोग 5 पे गए हैं, क्या हम बताइए 3 में गुने का 2 कर दो, 3 गुने का 2 कितना हो गया 6, और इसमें क्या किया गया माइनस का 1 कर गया, 6 में घटाइएगा माइनस 1 कितना होगा 5, तो देखिए 5 लिखा हुआ है। फिर हम लोग 5 से कहाँ जा रहे हैं 8 पे, फिर इसमें क्या किया गुने का 2, 5 गुने 2 कितना हो गया 10, और इसमें क्या कीजिएगा 10 में, तो एक संख्या के बाद हम लोग कहाँ दूसरी संख्या पर आए हैं, इसमें माइनस का 2 कर दिया गया है, तो 10 में 2 घटेगा कितना बचेगा आपको 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर हम लोग 5 से कहाँ गए 8 पे चले गए, फिर अगला हम लोग 8 से कहाँ जा रहे हैं 13 पे, तो फिर क्या किया गया इसमें देखिए गुने का 2 कर लिया गया, तो 8 गुने का 2 कितना होता है 16। अब फिर दूसरी संख्या से हम लोग कहाँ पे आए, देखिए पहली संख्या तो 1 घटा, दूसरी संख्या तो 2 घटा, कहाँ आ गई तीसरी संख्या पर, कितना घटेगा 3, तो 16 में से घटाएगा 3, तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा, तो देखिए आपको संख्या 13 लिखा हुआ है। फिर 13 से हम लोग कहाँ जाएंगे 22 पे, फिर क्या करना पड़ेगा इसमें भी गुने का 2, तो 13 गुने का 2 कितना होता है 26, और ये संख्या कौन सा है चौथा संख्या है, तो कितना माइनस होगा 4, तो 26 में से घटाएगा 4, तो कितना बचेगा 22, तो देखिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 22 से अगर हम लोग जाएंगे तो 2 का तो गुना होगा, तो 22 गुने का कितना होगा 2, तो 22 गुने 2 कितना होता है 44, और संख्या ये कौन सा है 22 5 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 22 में से घटेगा 5, सॉरी 44 में घटाइएगा 5, तो कितना बचेगा 39 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, इसमें अगर एक लंब है, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 होता है, क्योंकि देखिए 1 और ये कितना होता है 2, तो 1+2 आपस में जुड़ता है, कितना होता है 3, अर्थात नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3 हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, अगर यहाँ पर हम आएंगे तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हमारा हो गया है 3 3 जो चीज़ें मेरी जनरल है। उसके बाद आएगा जनरल में, तो यहाँ से बताइएगा तो एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक, ठीक है, और एक वाला एक, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, छोटा वाला 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए जो चीज़ हाइट है, अब यहाँ से देखिएगा, अभी आपने सिर्फ ये वाला काउंट किए हैं, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो एक ये भी तो ट्रायंगल है, एक ये भी तो ट्रायंगल है, और एक ये भी ट्रायंगल है ना,
तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, तो दो ट्रेंगल आ गया, कितना आ गया, दो आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक ये ट्रेंगल है, ठीक है, एक ट्रेंगल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से, यहाँ से देखिएगा तो एक ट्रेंगल यहाँ पे ये भी है, ये वाला देखिएगा एक ट्रेंगल, ठीक है, एक ट्रेंगल कौन है, ये वाला भी एक ट्रेंगल है, ठीक है। उसके बाद और आइए, अभी ट्रेंगल इसमें बहुत सारा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखिएगा तो एक बड़ा वाला ये ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा एक बड़ा वाला ये ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया था, दो हो गया। अब सभी को पहले आपस में ऐड कीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। एक प्लस एक कितना हो गया, दो, तीन कितना हो गया, पाँच, दो कितना हो गया, सात, दो कितना हो गया, नौ, नौ तीन कितना हो गया, बारह, बारह और तीन कितना हो गया आपको, पंद्रह, और पंद्रह दो कितना हो गया, सत्रह हो गया। बताइए क्या इसके बाद और कोई ट्रेंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। कहता है कि परिवहन जिस प्रकार माल से संबंधित है, उसी प्रकार से बैंक किससे संबंधित होगा। अब देखिए परिवहन का काम क्या होता है कि माल को ढोना, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करना, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसी प्रकार से बैंक का काम क्या होता है कि धन राशि को जमा करके रखना या निकास करना। किसको, तो धन मतलब जो धन होता है हमारी आमदनी होता है उसको उसमें बैंक में रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन, ठीक है। देखिए रुपया, डॉलर और पाउंड ये क्या है कि यूनिट है, एक मात्रक है, ठीक है, धन का मात्रक है। हम भारत में धन को रुपया बोलते हैं, उस प्रकार से दूसरी जगह कहीं पाउंड बोला जाता है, कहीं डॉलर बोला जाता है, तो ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। बट धन जिस प्रकार से परिवहन माल को ढोता है, सामान को, उसी प्रकार से बैंक धन को ढोता है, धन को रखता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहता है क्या है, कहता है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। कहता है कि यहाँ जो चार संख्या हैं, चारों में से कौन संबंधित नहीं है। देखिएगा कि पहला कितना है, 71 है, ठीक है। फिर कितना है, 73 है। फिर कितना देखिए, 77 है। और फिर कितना है, 79 है। देखिए सबसे इसमें डिफरेंट कौन है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे अलग क्या है, 77 है, क्योंकि 77 देखिए 7 से डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा, देखिए ये मेरा हो गया भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब बाकी सभी देखिएगा कि यह और यह और यह, 71, 73 और 79, ये तीनों क्या, अभाज्य संख्या है। तो सबसे अलग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 77 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, भाज्य संख्या हो जाएगा, बाकी तीनों क्या, अभाज्य संख्या, इसीलिए सबसे अलग ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या, कहता है कि भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। कहता है कि बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, ठीक है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कहता है इनमें सबसे डिफरेंट कौन है। देखिए बजट सत्र जो हमारा है, यह जो है फरवरी से मई होती है, ठीक है, फरवरी से मई, ठीक है, फरवरी से मई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि मानसून सत्र, मानसून क्या होता है, जुलाई से अगस्त, जुलाई से क्या होता है, तो अगस्त, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए मेरा शीतकालीन जो होता है नवंबर से, ठीक है, नवंबर से क्या होता है, दिसंबर। और ये जो है ग्रीष्मकालीन, इससे संबंधित नहीं होता है, इसीलिए सबसे डिफरेंट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। कहता है कि टीवी, कैमरा और क्या है, ट्रेन। अब देखिए कोई भी टीवी कैमरा नहीं होता है और कोई कैमरा क्या होता है, ट्रेन नहीं होता है, तो तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि छह, ठीक है, मेज पे कोई व्यक्ति है सी डी एल एन पी और एक्स, दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में, ठीक है, रखे गए हैं। कहता है कि छह मेज जो है सी डी नाम से, देखिए दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में रखा है, दक्षिण की ओर। देखिए अगर हम उत्तर की ओर खड़ा होते हैं, ठीक है, अगर हम किधर, उत्तर की ओर, समझिएगा किधर, उत्तर की ओर खड़ा होते हैं, उत्तर की ओर, तो यह जो मेरा होता है यह दायां होता है और यह मेरा क्या होता है, बायां हो जाता है।
अगर यही बात उल्टा हो जाए, अगर यही बात क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, ठीक है, हो जाए उल्टा हो जाए, अगर दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, किधर, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, तो यह आपका हो जाएगा दायां और यह हो जाएगा बायां। बस इसी बात का ध्यान रखना होता है, बच्चे इसी में फंस जाते थे, सही से चीज़ों को नहीं पढ़ पाते और गलत कर लेते हैं। अब कहता है क्या है? कहता है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी क्रम में हो। कहता है डी जो है एल के बाएं दूसरे स्थान पे, कहता है डी जो है एल के बाएं दूसरे स्थान पे है, एक्स जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एन डी के बाएं तीसरे स्थान पे है, सी और एक्स के बीच कितने मेज है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप लोग पहले डायरेक्शन समझ गए हैं, चलिए इसको कहाँ पर रखना है। हम क्या करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कभी कौन कहाँ बैठा हो, तो हमें एक लाइन ले ली, ठीक है। कहीं पे हम क्या करें, कहता है कि डी जो है एल के बाएं दूसरे हैं, तो मेरा बायां क्या इधर है, कहता है डी जो है एल के, तो हम क्या करते हैं कहीं पे एक एल ले लेते हैं, पहले हम इसको एल को बैठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई कहे जाए उससे मुझे उसका मतलब नहीं है, हम एल ले लिए। कहता है डी जो है एल के बाएं दूसरा है, तो मतलब ये एक होगा और एक, मतलब यहाँ पे कौन होगा डी, मतलब एल के बाया, चूँकि बाया मेरा किधर है, इधर तरफ है, तो एल के बाया डी दूसरे स्थान पे है। पर एक्स जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर, कहता है जो एक्स पी जो है पी, ठीक है, एक्स जो है कहता है कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, कहता है एन जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर, कहता है एन जो है एन डी के बाएं तीसरे, डी के बाएं डी यहाँ पे है, ठीक है, डी यहाँ पे इसके बाएं तीसरे, एक दो और तीन बाएं इधर है, तीसरे कौन है यहाँ पे देखिएगा एन है, कौन है एन है। अब देखिएगा एन मेरा कौन हो गया, सबसे एंडिंग हो गया, चूँकि कहता है कि एन जो बाएं हैं, मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, छः हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः बैठ गया, इसका मतलब इधर से एल हो गया सबसे लास्ट दायां से, और इधर से कौन हो गया एन हो गया, और डी मेरा बैठ गया। अब देखिए चीज़ें मेरे लिए आसान हो, कैसे आसान हो गया समझिएगा। अब कहता है क्या कि एक्स जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पे, एक्स जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पे, अब देखिए अगर पी को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके दूसरे स्थान पे दाएं चूँकि इधर हो जाएगा, तो कौन है डी है, तो हर हाल में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कहता है कि एक्स जो है पी, यहाँ पर आपको पी रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर कौन आएगा, एक्स आएगा, कौन आएगा, एक्स आएगा, तो अब मेरे पास बैठाने के लिए एक बचा कौन है, सी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, सी, तभी ना देखिए पी के दाएं दूसरा एक्स है ना, एक और दो, कहता है ना एक्स जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो हमसे पूछा है कि सी और एक्स के बीच में कितने मेज है, तो ये मेरा भैया सी रहा, ठीक है, और ये जो भैया मेरा कौन रहा, एक्स रहा, तो सी और एक्स के बीच में दो मेज है, एक डी है और एक पी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि किस ओर बैठा हुआ है, यही अगर उत्तर की ओर होता तो आपका बायां इधर हो जाता और दायां इधर हो जाता है, दिशा परिवर्तन होगा तो उसका तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, समझ रहे हैं ना बात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। पहला आपके पास है नींद, कॉल्ड, ठीक है, सर्दी, ब्लैंकेट, कंबल, विंटर, सर्दी, वार्म, गर्म, ठीक है, और सॉफ्ट, दुकान। अब सबसे पहली बात बताइएगा, ठीक है, इसमें जो होगा सबसे पहले कौन आएगा, विंटर में क्या होता है, विंटर एक सीज़न होता है, सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, तो सबसे पहले कौन आएगा, ठंडी का मौसम आएगा, चार नंबर ठंडी का मौसम आएगा, तब हमें क्या लगेगा भाई, ठंडा, कॉल्ड, सर्दी का मौसम आएगा तो हमें ठंडा लगेगी, और ठंडा लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे भाई, दुकानदार के पास जाएंगे ना, दुकानदार के पास जाएंगे, और जब दुकानदार के पास जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, कंबल खरीदेंगे, तीन नंबर भैया क्या खरीदेंगे, कंबल खरीदेंगे, और कंबल खरीद कर आएंगे तब उसको क्या करेंगे, ओढ़ेंगे तो हमको क्या चढ़ेगा, गर्मी, और गर्मी चढ़ेगा तब ना हमको नींद आएगा, तो सबसे लास्ट में एक हो जाएगा, तो चार दो छः तीन पाँच एक, चार दो छः तीन पाँच एक, भाई आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।